करनाल के गांव धनोखेड़ी में कुछ दिन पहले एक नवयुवक का शव ड्रेन में मिलने वाले मामले में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके चलते मृतक के परिजनों में रोष व्याप्त है। इसी मामले को लेकर काफी संख्या में परिजन इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप से मिले और न्याय की गुहार लगाई। विधायक ने मृतक के परिजनों को शीघ्र जांच करवाने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि 15 सितंबर को गांव धनोड़ी के एक युवक का शव धनोरा गांव के पास ड्रेन में मिला था। मृतक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया था, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इससे खफा होकर परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर शक जताया और कहा कि यदि शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर जांच नहीं की गई तो वह सड़क जाम कर प्रदर्शन करेंगे। सद्दीक नंबरदार व गांव के सरपंच परवीन कुमार ने कहा कि इस मामले की जांच शीघ्र करवाई जाए ताकि हमें इंसाफ मिल सके। उन्होंने बताया कि इस मामले में कई बार इंद्री थाना प्रभारी को मिले हैं, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। बताते चले कि इस मौके पर विधायक ने थाना प्रभारी को विश्राम गृह में बुलाकर इस मामले के बारे में जानकारी ली और पुलिस अधिकारी को शीघ्र कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। विधायक ने कहा कि वह इस मामले में करनाल एसपी से भी बात कर मामले को शीघ्र सुलझाने की बात करेंगे। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ये हमारे गांव का धनोखेड़ी का मैटर है जी। ये 15 तारीख की रात को मर्डर हुआ है, 16 तारीख ने सवेरे हमने पता लगा। उसके बाद पुलिस भी आ गई वहाँ से, फॉरेंसिक लैब की टीम भी आई, पर एक बात है उसके बाद भी कोई FIR दर्ज नहीं हुई अब तक। 5-6 दिन का मामला गया, कोई FIR दर्ज नहीं है। अननोन नाम तो नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। 4-5 दिन गया, रोज़ थाने में भी आ रहे, कोई कार्रवाई नहीं है। MLS करे भी FSL की रिपोर्ट आएगी, FSL की रिपोर्ट कब क्या तक कब आएगी कब नहीं, ये तो बताते ही नहीं भाई कार्रवाई और क्या, कोई रीज़न नहीं बता रहे। MLA साहब के पास आए थे, MLA साहब कह रहे भी हमारी बात तो हुई है SHO साहब थे, वो कह रहे भी SP साहब का फोन मिला रखा, देखो बात हो जाएगी, क्या आश्वासन देंगे देखो। पूरे गाँव में रोष है जी, अभी भी कम से कम 300-400 आदमी हमारे साथ आए हैं गाँव के जी, अभी तक तो पल्ला झाट रही बिल्कुल, कोई भी कार्रवाई नहीं रही। सिर्फ एक DDR कटी गई है, कोई FIR भी नहीं लॉन्च किया अभी तक 4-5 दिन के अंदर अंदर। क्या कार्रवाई चाहते हैं? दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं जी, तस्दीक करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे गांव को हो चाहे बाहर को हो कहीं का भी हो, इंसाफ मिलना चाहिए जी इनको। धनोखेड़ी की है, वहाँ से आज कोई डेड बॉडी नहर में मिली इनके गांव की, तो वो उसके उसको लेकर के ये समस्या है, तो बड़ी भारी समस्या, दुख भरी घटना है। अब वो मार दिया गया है, कैसे हुआ तो वो अभी जांच का विषय है, तो वो समस्या लेकर के यहाँ पर आए हैं। तो मैंने अभी SHO साहब को यहाँ बुलाया है, तो बैठ करके देखेंगे इनकी समस्या कैसे समाधान हो सकता है। तो इस प्रकार की समस्या है, तो मेरा प्रयास ये रहता है भी ज़्यादा से ज़्यादा इस समस्या का मतलब समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाए। तो ठीक है, अब देखिएगा, अभी आए हैं, मैं देखूँगा अभी, इसलिए मैंने बुलाया उनको भाई, FIR क्यों नहीं कटी, क्या इसमें देरी रही, कानून क्या कहता है, तो जो भी मतलब इसमें कार्रवाई होगी तो उनको दिशा निर्देश देंगे आज, मतलब मौके पर। मैं भी कह रहा हूँ क्यों नहीं कार्रवाई हुई ना, ठीक है अभी पूछेंगे, अभी आए हैं अधिकारीगण, आए हैं उनसे पूछेंगे, पूछ करके जो भी इसमें बन पाएगा करेंगे। मैं तो बल्क में SP साहब को फ़ोन मिला रहा था इसी बारे में, SP साहब ने फ़ोन उठाया नहीं है, फिर मेरा प्रयास रहेगा SP साहब से भी इसके बारे में डिस्कस करके, जब भी जल्दी से जल्दी इनको न्याय मिले, मेरा ऐसा प्रयास रहेगा। SP साहब को भी मैं कहूँगा, मतलब देखो SHO से ऊपर DSP पर SP को ज़्यादा पावर होती है, ठीक है ना। मेरा प्रयास रहेगा SP से ही बात करके जो ये लोग चाहते हैं उसमें कराने का काम करें। मारा भतीजा मार दिया गया और मार का और ड्रेन में फेंक दिया गया। आज 6 दिन से कोई सुराख नहीं, कोई तहकीकात नहीं, कोई पकड़िया नहीं, जिसका नाम दिया था वो भी नहीं पकड़िया है जी। कोई पर्चा दर्ज नहीं, कोई पर्चा दर्ज नहीं, कोई पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। जाते हैं कह रहे करेंगे, इधर उधर जा रहे, बहानेबाजी लगा रहे जी, कभी रिपोर्ट का कभी उसका। आज विधायक के पास आए थे जी, 6 दिन से परेशान है, कोई सुनाई नहीं हो रही। अब विधायक के पास आए थे जी, अभी खाली आश्वासन है। अब विधायक कह रहे जी मैंने SHO से बात कर लिया, पर काम हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। फिर देखो जी, जब नाम दे दिया, मुजरिम का नाम दे दिया, बता दिया सीधे शब्दों में, और पुलिस ये कह रही कि ना तो लाठी है
ना गंडासी का निशान है, ना गोली का निशान है। तो बताओ हम तलवार मार के दें या किसी ने, जिसने भी मर्डर किया, मर्डर तो हो गया, चाहे उसने फूंक मार के किया, मंत्र मार के किया, मर्डर तो कर दिया बंदे का, बंदे की जान चली गई है जी। तो हम ये कहाँ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए, FIR दर्ज करके उसका हमारे को दिया जाए। रणनीति तो यह है कि अगर कार्रवाई नहीं करी, रोड जाम करेंगे, SP साहब के पास जाएंगे और भी जहां तक भी हमारी कोशिश होगी, भागदौड़ होगी, पूरा गांव हमारे साथ है। आप भी देखो 150-200 आदमी हमारे साथ गांव का खड़ा है, गरीब आदमी है जी। तो इसलिए हमारे को इंसाफ दिलाया जाए। हाँ जी, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।